सबसे ज्यादा जन्म स्थान के साथ अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो दो लोगों के साथ, एक पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को यहाँ के लोग जानते हैं चाइनीज कह के बुलाने लगा। कितना गलत बात है, इससे शर्म की बात है कि हिंदुस्तानी के लिए कुछ नहीं हो सकती है कि हम अपने पूर्वोत्तर के भाई बहनों को चाइनीज कह के बुलाने लगे हैं। कितना शर्म की बात है, कह देंगे ठीक है तुम जा रहे हैं चाइना में तो छाती पीटेंगे। और अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है, अरे तुम तो पहले अपना उन्हें बनाओ। और दूसरा भेदभाव हुआ है तो बिहारियों के साथ, हालांकि 2019 के बाद ये भेदभाव थोड़ा कम हो गया है, आप देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में ये भेदभाव कम हो गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर, तो उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, जन सुराज वाला प्रशांत। जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए, तो पार्टी कोई भी जीतने पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि हमारा पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी करके मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। हालांकि आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगी, आप समझ आएगी नहीं आगे आप।